हिम्मत है तो हिम्मत है, क्योंकि वो आदिवासी ये भाई है, हमारे सिर्फ आदिवासी है, इसीलिए हमारा आदिवासी खून है। और कोई भी जाति धर्म का लोग हो, किसी भी जाति धर्म में क्यों न गया, क्योंकि आदिवासी का खून एक आदिवासी के लिए सर्वदा धड़कता रहेगा। ऐसा इतिहास यदि आदिवासी को छोड़ोगे, ऐसा इतिहास रचेंगे कि पढ़ना भी फिर मुश्किल हो जाएगा। चार साल के दौरान कोई नौकरी के लिए फॉर्म वगैरह भरे? हाँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूँ। मैं एक प्रकार से दूसरे के अंडर में काम नहीं कर रहा, इसे उड़ता हुआ पंछी मैं बनना चाह, नौकरी कर रहे या ना कर रहे, हम आदिवासियत के लिए खड़ा होंगे। जिस प्रकार मोदी साहब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में आज राजधानी रांची की सड़कों पर कई आदिवासी संगठन के लोग उतरे हुए हैं। एक देखिए युवक है जो अपने शरीर पर लिख कर यहाँ पर पहुंचे हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, और इस पोस्टर पर ईडी के बारे में लिखा गया है, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं, आप खुद से इसे पढ़ लीजिए। क्या नाम है आप? मेरा नाम बाहर लिंडा हुआ, मैं खूंटी से आया हूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड का। कहाँ? मैं सिक्योरिटी गार्ड का। कहाँ? रांची में, खूंटी में? खूंटी में। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड? हाँ, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। क्या नाम बोले? मेरा नाम बाहर लिंडा हुआ। तो ये क्या लिखे हैं आप? मैं हेमंत है तो हिम्मत है मैं लिखा हूँ यहाँ पर, और जो यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस प्रकार चोर चोर बोल के 10वां समन 8वां समन भेज रहा है, तो मैं कहा जाए तो एक वो सब महाचोर है ईडी, क्योंकि हमारे झारखंड पार्टी कार्यालय जो हमारे पूर्वज छोड़ के गए थे विरासत के तौर पर, धरोहर के तौर पर, उस पर कब्जा करके बैठी है खुद। तो एनओसेका का घर? एनओसेका का बाप कौन था? एनी वो जयपाल से मुंडा थे। एनओसेका का घर था, वो उनको अवैध तरीके काम होता था, वहाँ कार्यालय का भी काम होता था, वहाँ झारखंड पार्टी का कार्यालय मीटिंग सीटिंग सब होता था वहाँ पर, लेकिन आज लूट के उसे अब कब्जा करके बैठा है। वो एनओसेका भी तो उन्हीं लोग का देन था। एनओसेका कौन था? सॉरी, उन्हीं लोग का देन था, एनओसेका भी उन्हीं लोग का देन था। तो एक प्रकार से महाचोर का काम वही कर रहा है, 8वां 10वां समन भेज के क्या दिखाना चाह रहा है? आदिवासी सरकार को हटा के अंडानी अंबानी का जो उल्लू सीधा करना है, कोयला अभ्रक तांबा को यहाँ से लूटना है, वो फिर से जिस प्रकार रघुवर के समय में वो उड़ीसा ले जाता था पिस्का नगरी में कोयला चोरी करके, और मोमेंटल झारखंड करके हजारों का चाय पिलाया जाता था विदेशियों को बुला के, तो यही प्रकार से किया जाएगा। हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग जयपाल क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन कुंडा का वंशज है और हमेशा लाल लाल गोरे अंग्रेज से लड़ते आए हैं, और हमें हराने का बोलता है कि ऐसा इतिहास यदि आदिवासी को छोड़ोगे, ऐसा इतिहास रचेंगे कि पढ़ना भी फिर मुश्किल हो जाएगा। लिंडा नाम है आपका, खूंटी में कहाँ से? मैं खूंटी, प्रॉपर खूंटी से। आप कितना पढ़ाई लिखाई की? मैं इंटर पास हूँ। पास हैं। अभी चार साल के दौरान कोई नौकरी के लिए फॉर्म वगैरह भरे? हाँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूँ। मैं एक प्रकार से दूसरे के अंडर में काम नहीं कर रहा, इसे उड़ता हुआ पंछी मैं बनना चाहता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड भी तो आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं ना? मेरा उद्देश्य है कि पूरा विश्व, पूरा भारत के आदिवासियों के एक मंच पर लेकर आए, अपने हक अधिकार के लड़ने के लिए एकत्रित करना, ना कि किसी के 200-300 का। क्यों? हम लोग आदिवासी पूरे भारत, पूरे झारखंड का मालिक है, तो 200-300 में हमको नौकरी दोगे? हाँ, कौन नौकरी कर रहे हैं ना आप, सिक्योरिटी गार्ड है ना? कर रहे हैं तो वो तो बस पेट पालने के लिए कर रहे हैं। आदिवासी सरकार को यदि हटाएगा और अपना उल्लू सीधा वो लोग काम करना चाहेंगे, तो हम एक आदिवासी भाई होने के नाते वो हम किसी जाति धर्म या कि नौकरी कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, हम आदिवासियत के लिए खड़ा होंगे। जिस प्रकार मोदी साहब पूरे देश को राम मंदिर दिए, उसी प्रकार से हम पूरे झारखंड में हम एक होंगे और अपने लोगों के लिए अपने एक साथ आवाज उठाएंगे। अपने एक होना अच्छी बात है, हम वही पूछ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जितना विश्वास था आप लोगों को, उतना काम कर पाए? एक प्रकार से कहा जाए तो सबसे बड़ा आलोचक यदि हेमंत का है तो मैं हूँ, लेकिन कैसे विश्वास की बात है तो मैं किसी से आलोचक है बताइए, क्योंकि बहुत सारे जैसे 1932 का खतियान लागू करेंगे बोल के आया सरकार में, बट बोले कि अगर 1932 के अनुसार यदि कानून हम कोर्ट में भेजते हैं
तो निरस्त कर दिया जाएगा। हेमंत जी तो निरस्त इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ सभी जाति धर्म और बाहरी और भीतरी सब कोई बैठे हुए हैं, तो हम बाहरी को हटा के क्यों हटा नहीं सकते, क्योंकि बहुत दिन से वो आके बसे हैं बिहार से, छत्तीसगढ़, झारखंड से, अचानक उसको हटा दें और स्थानीय के तहत कानून तुरंत लगाया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कोर्ट निरस्त कर देगी और केंद्र सरकार भी मान्यता नहीं दे। जैसे एनी होरो साहब जो झारखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है और राष्ट्रीय पार्टी उसका नाम को मिटा के आज कहीं ना स्टेच्यू है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है उनके नाम से, लेकिन आज हेमंत सरकार चुप बैठी हुई है। तो उन बातों में हम उनका आलोचक है और विभिन्न पार्टियों का भी जो इसके नहीं कर पाए, इससे पहले बीजेपी भी थी, कांग्रेस भी थी, तो हर कोई इस चीज़ को हमारे पूर्वजों का धरोहर को मिटा के, हमारे पार्टियों को, झारखंड पार्टी को मिटा के, वो अपना पार्टी जैसे कांग्रेस वो अपने में मिला लिया जयपाल सिंह मुंडा को पार्टी को। तो मैं हर एक प्रकार से एक दूसरे का आलोचक हूँ जो आदिवासियों के साथ गलत कर रही है। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि छोड़ दिए? पढ़ाई लिखाई उतना पैसा नहीं है ददवा मोर जगह कि मैं पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू करब। मोर भाई बहन के पढ़ा तो मैं कमाए को से ले मैं अखन पढ़ाई लिखाई छोड़ दे हो, दो खुशी तरह कमाए के मैं भाई बहन के पढ़ाई लागल हो और मोर बेटी के पढ़ाई लागल हो। ये व्यवस्था तो होनी चाहिए ना सरकार के तरफ से कि जिसके पास भी पैसा नहीं है वो भी पढ़ सके कम से कम। हाँ, जिस पर ये दिल्ली के तर्ज पर काम कर रही है हेमंत सरकार, जैसे कि ये आप देख सकते हैं दिल्ली के तौर, जैसे फ्रेंच इंग्लिश जो दिल्ली में दिखाई जा रहे हैं कि वहाँ के बच्चे इतने टैलेंट हो रहे हैं, तो देश विदेश की भाषाएं बोल रहे हैं, तो उसी प्रकार से सीएम एक्सलेंस स्कूल खोला जा रहा है, तो दिल्ली के तौर पे काम करेगी और हमारे सरकार धीरे से काम करेगी। कोरोना में वो एक प्रकार धीरे हो गई थी, लेकिन आदिवासी सरकार ही आदिवासियों का भला कर सकता है, नहीं तो अडानी अबानी का सरकार आया तो ये मिटा के हमें नास्ताबूत करेंगे। The follow-up.in, like, share, and subscribe.